पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर से पंपों पर उमड़े किसान, ड्रम भर ले जा रहे तेल, वीडियो वायरल। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब तेल के दाम बढ़ने की खबर हवा में तैर रही है। 10 मार्च को विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं, लेकिन इस बीच पेट्रोल पंप पर लोग अपनी अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने में जुट गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी इजाफे की अंदेशे के चलते बुलंदशहर के शिकारपुर एरिया में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जुट रही है। इलाके के पेट्रोल पंपों पर किसानों की लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 200 से 700 लीटर डीजल तक खरीद रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने को जगह भी नहीं है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 से अधिक रुपए बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमत में करीब 20 रुपए प्रति बैरल का इजाफा हुआ है। इसी बीच सोमवार देर रात बुलंदशहर में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी इजाफा होने का दावा किया जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $125 पहुंच गया है। तेल कंपनियां भी तेल के दाम बढ़ाने की मांग कर चुकी है। बताया गया है कि पेट्रोल पंपों पर डीजल खरीदने वाले किसानों की भीड़ लगी रही है। किसानों की माने तो आने वाले 2-4 दिनों में डीजल मिलने तक की किल्लत होने की जानकारी मिली थी, जिसके बीच किसान पेट्रोल पंपों पर पहुंचे थे। बताया गया है कि एक एक किसान 5 से 7 ड्रम भरकर पेट्रोल और डीजल ले जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जनता का क्या कहना है, आइए बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने जानकारी के रूप में लिखा, हरियाणा में लोग ड्रामे ड्राम तेल भर रहे हैं। वहीं पत्रकार संतोष तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो साझा करते हुए बताया, पेट्रोल डीजल महंगा होने से पहले ड्रम और टंकियां लेकर पंप पर पहुंचे लोग, वीडियो बुलंदशहर के शिकारपुर के पेट्रोल पंप का है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।